Honorable Chief Justice, Mr. Justice Gulzar Sahib, Honorable Justice Qazi Faizi Sahib, Honorable Justice Mr. Ameer Bhatti Sahib, Honorable Justice Mr. Mr. Athamanala Sahib, Baki Honorable Judges, Presiding Members, Ladies and Gentlemen. एक बहुत बड़ी खूबसूरत आवाज़ जिसको अभी सिर्फ चंद मिनट पहले आयरन लेडी के हवाले से उनका तारुफ कराया गया और रेफरेंस हुआ है। सारी जिंदगी उसकी आवाज़ गरीबों की आवाज़ थी, इस मुल्क के मजलूम लोगों की आवाज़ थी। क्या औरत क्या मर्द, हर शख्स के लिए उसने आवाज उठाई और बड़े दर्द से आवाज उठाई। जब वो आवाज, उसमें एक गूंज थी, एक चीख थी, वो ये नहीं देखती थी कि ये आवाज, ये चीख किन के कानों में जाकर जो है हलचल मचाएगी, कभी उसने नहीं सोचा, कभी उसने नहीं सोचा। मगर आज उस आयरन लेडी के हवाले से मैं बहुत अफसोस और उससे कहता हूँ कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन के मैनेजमेंट में आज जो इस इनॉगरल सेशन के लिए जो टॉपिक चूज किया है उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कतन सही नहीं है। रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। कौन सी जुडिशरी मौजूद है, कौन सी जुडिशरी मौजूद है? वो जो हमारे सामने है, वो जो इसमें हम पेश होते हैं, वो वो जुडिशरी जिसमें इस मुल्क के लाखों लोग सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक इंसाफ के लिए, अपनी दादरसी के लिए मौजूद होते हैं। जब वो 2:30 बजे वापस अपने घरों को जाते हैं तो अपने सीने पे, अपने रूहों के ऊपर एक जख्म लेकर जाते हैं। आप उस जुडिशरी की बात करते हैं, वो लोगों को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेगा। बहुत बहुत हल्का, बहुत छोटा टॉपिक आपने जो है इस स्पीकर्स को दिया है। ये जुडिशरी जिसको मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट के हवाले से, जिस नीचे की जो नंबर है उसमें 130 में 126 नंबर पे, मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका वाले ने, पाकिस्तानी था, उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बातें करनी है और आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा किस बात पे, कहते हैं अभी जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की जुडिशरी में 126 नंबर पे है। मैंने कहा इस पे आप बहसियत पाकिस्तानी खुश नहीं कि नीचे से हम 4 नंबर ऊपर हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए। और जो भी हमारी जुडिशरी मौजूद है, मैं अफसोस से कहता हूं, मैं कोई शौकिया नहीं कहता, कोई अब किसी भी मकसद में, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, कोई मेरा मकसद नहीं है इस तरह की बातें करने के लिए। मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए। जितने लोगों ने काम किया, जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, सबसे आगे अली अहमद कुर्ता, मुझे राइट कॉन्स्टेबल बात कर रहे हैं। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है कि मैं बात करूं। कोई नहीं रोक सकता आपको। आज
जुडिशरी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कभी भी कोर्ट रूम में जो है मैं वो करते हुए गया हूँ, बहुत रिस्पेक्ट पे करते हुआ हूँ। मैं क्या हूँ वो कोर्ट, मैं रिस्पेक्ट देते हैं, कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं लोगों के लिए, जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी रिलीफ हम लेने की कोशिश करते हैं। मगर उस जुडिशरी में भी वाजे तौर पे नजर आने वाली बात है कि डिवीजन है। 126 नंबर पे भी जो जुडिशरी है उसमें भी डिवीजन है। अब हम क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? मुझे अफसोस होता, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं और मुझे अफसोस होता क्यों हम इस हालत में पहुंचे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, और डेलीगेट्स हैं बाहर से भी, हम वैसे भी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये काइंडली स्लोगन्स हम करेंगे कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में जो कि पॉलिटिकल एजेंडे के साथ होगा, और उसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको वो कलर भी नज़र आएगा जो हमें आसमान जहांगीर दे के गई हैं। हम इस सेशन को क्योंकि कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं, आपके जज्बात हमारे सामने। अली अहमद कुर्द साहब, जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जनरल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जनरल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। दो ही सूरत है। आप बराबरी होगी, आप बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी, जनरल और पाकिस्तान के एक शेरी में कोई फर्क नहीं होगा। ये जो हमारी जुडिशरी है, यही जनरल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, इसी ने हमारी जुडिशरी के 126 नंबर पे पहुंचा है। आज इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल क्लास वो इस मुल्क से कब की खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में अब कोई इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं, और इस मुल्क में कोई मिडिल क्लास दरमियान में नहीं रहा। तो आज इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है तो जो ऊपर लोग बैठे हैं वो छोटे छोटे कद के लोग बैठे हैं। मैं तमाम दोस्तों के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक अर्ज करूंगा कि ये सियासी जलसा नहीं है। आप प्लीज सारे माहौल को देखते हुए
अपने जज्बात का इजहार करें। अलिया मकबूर साहब है आखिरी सेशन में, प्लीज डेकोरम का ख्याल करें आप, प्लीज 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 जेंटलमैन। अली अहमद पुर साहब आ गए, दाऊद बैठ जाओ आप, प्लीज ट्राई टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कॉन्फ्रेंस प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आए पुर साहब, तो जनरल को नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल आप क्लियर कट बात है। अब वक्त आ गया है कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, और खाम जरूरी है कि उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे जो हमारा हमें 70 साल से अपनी आंखें दिखा रहे हैं। ये मुल्क, इसमें आप जब मिडिल क्लास नहीं रही, जब इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं रही, अब कोई लीडरशिप नहीं। जो भी आएगा वो और छोटे कद का आदमी आता जाएगा। ये मुल्क जिस हालत में पहुंचा है, मैं एक सियासी एक्टिविस्ट के तौर पर अपने दिन रात मैंने लगाए हैं इसमें, सड़कों पे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं जलसे जुलूस में रहा हूं। मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूं, उठो, अपने जान में जान पैदा करो। ये मुल्क आपकी मुट्ठी से रेत के जर्रात की तरह गिरता खत्म हो रहा है, कोई मुल्क आपके लिए नहीं रहेगा। ये मुल्क अब भी आपके पास वक्त है, अब भी आपके वक्त पास वक्त है। मुट्ठी में रेत के जरात को जिस तरह नहीं रोका जा सकता, इस तरह इन हालात में जो मुल्क जा रहा है, आप इसको बरकरार नहीं रख सकते। आपको किश्तियां जलानी पड़ेंगी, किश्तियां जलानी पड़ेंगी, और अपनी जिंदगी का जान की बाजी लगानी पड़ेगी। जान की बाजी बचेगा, नहीं तो इस मुल्क के साथ बहुत 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 मजाक हो रहा है। 6-6 साल से, 6-6, 7-7, 8-8 साल से बलूचिस्तान में लोगों को उठाकर एजेंसी उठाकर ले गई है, कोई पता नहीं है। ये मजाक बंद करें, अब आंखों में आंखें डालकर बात करने का वक्त आया है। आपको लोगों को सोचने का, लोगों को ख्वाब देखने का मौका दें, ख्वाब देखेंगे तो ये मुल्क एक बहुत खूबसूरत मुल्क बनेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अली अहमद पुर